तो रात के टाइम यहाँ पे कोई नहीं आता क्योंकि तब यहाँ पे अंधेरा होता है और हॉन्टेड भी लगने लगता है, लेकिन इस टाइम पे ये सेफ है। ये सब मैंगो ट्रीज है लेकिन इनमें मैंगो नहीं है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं आज आपको एक ऐसी प्लेस दिखाऊंगा जो मेरे घर के एकदम पास है, मतलब घर के पीछे ही है। और जब भी मैं डीमोटिवेट फील करता हूँ या अपसेट फील करता हूँ तो मैं वहाँ पे जाता हूँ और अपने खुद के साथ कुछ टाइम स्पेंड करता हूँ और काफ़ी मोटिवेशन मिलता है मेरे को वहाँ से, एक पॉजिटिव वाइब मिलता है। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको घर की छत से। तो ये है वो जगह जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जब भी मैं वहाँ पे जाता हूँ तो एक पॉजिटिव वाइब मिलता है मुझे, एक बूस्ट मिलता है अंदर से, काफ़ी इनर पीस मिलता है। तो चलिए चलते हैं। तो हम आ गए हैं निचर के पास, आप देख सकते हो आज का वेदर भी अच्छा है, हवा चल रहा है, सनसेट का टाइम है तो काफी प्यारा सा व्यू है। तो जब भी मैं अपसेट होता हूँ या जब भी मैं डाउन फील करता हूँ तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, कुछ टाइम स्पेंड करता हूँ, फिर मेरे को एक पॉजिटिव सा फील मिलता है। चलो थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। तो नेचर के पास एक हीलिंग पावर होता है, नेचर बहुत स्ट्रांग होता है। कभी भी अगर आप अपसेट फील करो या कभी भी अगर आपको डिमोटिवेट फील होता है तो आप ऐसे ही कहीं जा सकते हो जहाँ पे आप फ्री फील कर सकते हो। तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये कुछ फसल है जो किसानों ने उगाया है, मेरे को नहीं पता ये कौन सा पेड़ है पर देख सकते हो आप, अगर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हो। और ये सामने जो है वो ये रहा, ये टमेटो का पेड़ है। तो ये यहाँ पे उन्होंने बैरिकेड दे दिया है ताकि कोई उठा के ना लेके जाए। यहाँ पे भी प्लास्टिक फेंकते हैं लोग। तो ये घर अभी भी इनकम्प्लीट है, कोई रहता नहीं यहाँ पे क्योंकि बारिश के टाइम यहाँ पे पानी का लेवल ऊपर चला आता है, तो इसलिए शायद कोई नहीं रहता यहाँ पे। और चलो आगे जाते हैं। तो व्यू देखो यार, प्यारा व्यू है बहुत, क्या व्यू है। अगर आपको फोटोशूट करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। और सामने जो आप ये देख रहे हो ना फॉरेस्ट,
ये पिकनिक स्पॉट है, तो विंटर में काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे पिकनिक करने के लिए। तो आप चाहते हो तो आप भी आ सकते हो विंटर पे। और यहाँ पे बहुत सारे क्रिएचर्स भी मिल जाएंगे आपको। देखो उड़ा एक, क्या है ये, ड्रैगन फ्लाई है शायद, कहाँ गया, चला गया। यहाँ पे सांप भी मिलते हैं, तो थोड़ा देख के चलना पड़ेगा। रात को शायद कोई नहीं आता यहाँ पे, थोड़ी सी हॉन्टेड प्लेस है। यहाँ पे पहले रैबिट्स भी पाए जाते थे, लेकिन अब नहीं है। सनसेट का टाइम, ये साउंड सुन रहे हो आप बर्ड्स का, ये देखो कहाँ गया। और एक बात शेयर करना चाहता हूँ मैं आप लोगों से, मैं एक्चुअली कोलकाता से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए यूजुअली मैं बंगाली में बात करता हूँ, तो इसलिए मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है, इसलिए सॉरी, बट आई होप धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। तो फिलहाल आप ये व्यू देखो, तो मैंने कहा था आपसे कि अगर आप डीमोटिवेट फील करते हो तो आपको नेचर के पास आना चाहिए, क्योंकि नेचर के पास जो एक फीलिंग पावर होता है वो आपको अंदर से एक पॉजिटिव फील देता है। नेचर आपको हील करता है, जब भी आप डीमोटिवेट फील करते हो या जब भी आप अपसेट होते हो, तो अगर आप नेचर के पास आते हो तो आपको अंदर से अच्छा लगता है, फ्रेश फील करते हो आप, मोटिवेटेड फील करने लगते हो आप। तो आना चाहिए आपको नेचर के पास, और आपको ऑक्सीजन भी अच्छा मिलता है, ग्रीनरीज है आसपास। तो चलो आपको पिकनिक स्पॉट भी लेके चलते हैं। विंटर सीजन में यहाँ पे बहुत सारे पिकनिक ऑर्गेनाइज होता है, तो लोग आते हैं यहाँ पे पिकनिक करने के लिए, तो चलो आपको लेके जाते हैं पिकनिक स्पॉट पे। तो ये रहा यहाँ का पिकनिक स्पॉट, थोड़ा सा हॉन्टेड है, लेकिन लोग यहाँ पे आते हैं पिकनिक करने के लिए। अगर आप चाहते हो तो आप भी आ सकते हो, नेचर के बीच आप पिकनिक कर सकते हो, लेकिन थोड़ा देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि सांप भी हो सकता है यहाँ पे। सीजन पे यहाँ पे राइस कल्टीवेशन भी होता है, तो चलिए चलते हैं आगे। ये देखो छोटे छोटे मैंगोज जो पेड़ से गिर के नीचे पड़ गए, इससे आगे थोड़ा ज्यादा ही खतरनाक सा है।
तो सीज़न पे लोग यहाँ पे साफ करते हैं पिकनिक करने के लिए, लेकिन अभी ऑफ सीज़न है इसलिए आप देख सकते हो एकदम मतलब पूरा भरा हुआ है। आप यहाँ पे आके अपना फ्री टाइम स्पेंड कर सकते हो, चिल कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। अगर आप डीमोटिवेट हो तो आप मोटिवेशन गैदर कर सकते हो यहाँ से, आपको एक बूस्ट मिलेगा, एक पुश मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा मोटिवेटेड रहने में। तो मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा फील होता है। जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो एक पुश मिलता है मेरे को। तो रिसेंटली मुझे थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि अभी तो हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहा है, इसलिए प्रिपरेशन ज़्यादा लेना नहीं पड़ता, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ता। तो जो इतना टाइम मैंने पास किया है तो मेरे को लगता है कि वो टाइम मैं यूटिलाइज़ कर सकता था, मैं एक चैनल बना सकता था पहले जहाँ पे मैं वीडियोस डाल सकता था, लेकिन तब मेरे को ये सब आइडिया नहीं आया था तो मैंने बहुत टाइम पास कर दिया था। तो उसका जो एक गिल्टी फीलिंग होता है वो आता है मेरे को, तो इसलिए मैं आता हूँ यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए, थोड़ा पॉजिटिव फील करने के लिए। और लॉकडाउन के टाइम तो बहुत टाइम था मेरे पास, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं, मैं सिर्फ इवनिंग को जिम जाता था और बाकी की टाइम घर पे ही पड़ा रहता था, ऐसा कोई काम भी नहीं करता था घर में, तो इसलिए अभी बुरा लगता है, गिल्टी फीलिंग आता है मेरे को। लेकिन अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ काम करूँ तो खुद को भी अच्छा लगता है, एक सेटिस्फाइंग फीलिंग आता है। तो अगर आप खुद सेटिस्फाई हो तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा, अगर आप कोई काम करते हो तो आपका मन भी हल्का रहेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक चैनल स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम ऐसे वीडियो अपलोड करेंगे ताकि खुद को भी अच्छा फील हो और हो सके तो कुछ सब्सक्राइबर्स भी गेन कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, अगर हो सके तो थोड़ा सा सपोर्ट करना, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करना वीडियोस पे तो अच्छा लगेगा। तो ना अभी इस हाथ से वीडियो करते करते पूरा इस हाथ में एकदम पेन होने लगा है, एकदम दुख रहा है ये हाथ, तो प्रैक्टिस नहीं है लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। और ये देखिए मैंगो इन द ट्री, बट छोटा मैंगो है तो खा नहीं सकता। तो अभी जिम जाने का टाइम हो रहा है तो अभी जिम जाना पड़ेगा, और अभी मेरा उतना कॉन्फिडेंस नहीं है जिम में शूट करने का क्योंकि थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होता है मतलब, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ अभी वीडियो शूट नहीं करूँगा जिम पे, पर जब कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा थोड़ा तो ज़रूर वीडियो शूट करेंगे हम जिम पे। तो मैं भी एक्साइटेड हूँ आपको अपना जिम दिखाने के लिए, पर अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जिम पे जाके शूट करूँ क्योंकि लोग ऐसे देखते हैं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है मेरे को अभी, क्योंकि मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है तो उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे में। और एक चीज़, मेरे को एडिटिंग के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, तो अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन हो तो आप दे सकते हो कैसे हम एडिटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ज़रूर सजेस्ट करना। और आज यही पे एंड करते हैं अपना वीडियो, तो
अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, बाय।